हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स लर्निंग बाजी, योर ओन लर्निंग बाजी। सो मॉमीज, आज हम जानेंगे लेटर सी के हार्ड साउंड्स, एंड सॉफ्ट साउंड के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कब हमें लेटर सी को स पढ़ना है और कब हमें लेटर सी को ख पढ़ना है। स्कूल्स में जो है ज्यादातर लेटर सी का हार्ड साउंड जो है सिखाया जाता है, दैट इज ख। बट लेटर सी का एक और सॉफ्ट साउंड होता है, दैट इज स। एंड वी विल नाउ सी कि कौन से वर्ड्स में हमें स प्रोनाउंस करना है, दैट इज लेटर सी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस करना है, और कौन से वर्ड्स में लेटर सी का हार्ड साउंड ख प्रोनाउंस करना है। फर्स्ट हम देखेंगे लेटर सी के सॉफ्ट साउंड्स। That is, sir. Suppose we have the word city. अब city में आपने गौर किया होगा कि जो C हमने लिखा है उसका जो हम pronunciation है वो स कर रहे हैं। हम इसको kitty नहीं बोल रहे हैं, हम इसको सिटी बोल रहे हैं, स। दैट मीन्स सी इज प्रोनाउंस्ड एज स हेयर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी, स। बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें जो है सी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस करना है या कब हमें सी का हार्ड साउंड ख प्रोनाउंस करना है? तो इसका एक रूल होता है, लेटर सी दैट। तो जब भी आप द रूल फॉर सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी, सो जब भी आप लेटर सी के बाद आई, ई या वाई लेटर देखेंगे तब आपको जो है सी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस करना है, दैट इज स। यहां पे इन द वर्ड सिटी सी के बाद आई था, तो इसलिए हमने जो है लेटर सी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस किया है, दैट इज स एंड नॉट ख। सिमिलरली हम लोग एक और वर्ड देखेंगे, से सपोज वन मोर वर्ड वी विल सी, आइस। हेयर वी आर प्रोनाउंसिंग लेटर सी एज सॉफ्ट साउंड, दैट इज स, क्योंकि सी के बाद क्या है, ई है। एंड व्हाट रूल वी हैव लर्न्ड कि अगर सी के बाद आई, ई या वाई आता है तो हमें सी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस करना है, दैट इज स। वन मोर वर्ड वी कैन सी, स्पाइसी। इसमें सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद वाई आ रहा है, एंड एज पर द रूल सी का सॉफ्ट साउंड हमें प्रोनाउंस करना पड़ेगा क्योंकि इट इज कमिंग बिफोर वाई, और यू कैन से वाई इज कमिंग आफ्टर लेटर सी। एंड एज पर द सी वी हैव लर्न, अगर सी के बाद आई, ई या वाई आता है तो हमें उसका सॉफ्ट साउंड यानी कि स प्रोनाउंस करना पड़ेगा। सेम वे हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी इज ख। द हार्ड साउंड ऑफ सी इज ख, और वो हम तब प्रोनाउंस करेंगे
इन लेटर्स के अलावा, यानी कि जो भी कोई वर्ड्स में आई ई वाई, इन तीन वर्ड्स के अलावा और बाकी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके पहले जो सी आता है उसमें हम ख हार्ड साउंड, ख दैट इज द हार्ड साउंड ऑफ सी, वही प्रोनाउंस करेंगे. से सपोज कॉन. सो हेयर द लेटर विच इज कमिंग आफ्टर सी इज ओ, एंड एज पर आवर रूल इट इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट आई ई एंड वाई, दिस वर्ड इज ओ. सो हेयर वी विल प्रोनाउंस सी एज ख. सो कॉन. वी विल नॉट से सॉन, वी विल से कॉन. कुक. कैट. कैमल. कैप. Cold. Candle. And so on. So, आपने देखा इन सारे वर्ड्स में ना ही आई है सी के बाद, ना ही ई है और ना ही वाई है. तो ऐसे सारे शब्द जिनमें लेटर सी के बाद आई ई और वाई नहीं आता है, all those words in which after letter C, letter I, E and Y does not come, ऐसे words में हम letter C का जो sound है वो as ख pronounce करेंगे और ना कि स. We will use the hard sound of C in such letters. So this is the rule for hard sound of letter C, that when to pronounce उन सारे वर्ड्स में जब लेटर सी के बाद आई ई एंड वाई नहीं आता है, उन सारे वर्ड्स में हम लेटर सी का जो साउंड है वो हम ख प्रोनाउंस करेंगे. एंड ऑल दोज वर्ड्स इन विच आफ्टर लेटर सी आई ई एंड वाई कम्स, उन सारे वर्ड्स में, इन दोज वर्ड्स वी विल प्रोनाउंस द सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी, that is s. Let us see some more examples. There are some words in which both the sounds of letter c are being pronounced, that is kuch words aise hain jisme c ke both hard sound and soft sound jo hain pronounce kiye jate hain in the same word. For example we can say circle. Okay, we pronounce it as circle. Now here you can see the letter after C is I. तो इसलिए हमने जो है, जो हमारा first C है उसका हमने sound pronounce किया S. Because as per our rule, अगर letter C के बाद I आता है तो हमें उसे S pronounce करना है. So circle में लेटर सी के बाद आई आया तो हमने ये वाले सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो स किया है, ना कि ख. सो हेयर इट इज स. और जो हमारा बाद वाला सी है उसके बाद लेटर एल आया है, एंड एज पर आवर रूल्स एंड एज पर आवर हार्ड साउंड रूल ऑफ द हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी, ऐसे वर्ड्स जिनके बाद सी के बाद आई ई वाई नहीं आता है तो हमें उसका सी का हार्ड साउंड प्रोनाउंस करना है, दैट इज क. तो इसीलिए हमने सी का यहाँ पे हार्ड साउंड प्रोनाउंस किया है सेकंड वाले में, दैट इज क. सो सर्कल हैज बोथ द सॉफ्ट साउंड एंड द हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी. जो पहला वाला सी है उसमें हमने सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस किया है बिकॉज एज पर द रूल उसके बाद आई आ रहा था, और अगर आई अगर सी के बाद आता है तो हमें सी का सॉफ्ट साउंड बोलना होता है, और बाद वाले सी में सी के बाद एल आ रहा था
उसके बाद तो वो जो है सॉफ्ट साउंड के रूल में अप्लाई नहीं हो रहा था. दैट मीन्स हमने बाद वाले सी के लिए ख प्रोनाउंस किया है, दैट इज द हार्ड साउंड ऑफ सी. वी विल सी वन मोर वर्ड. साइकिल. इन साइकिल ऑल्सो यू कैन सी सी के बाद, फर्स्ट सी लेटर सी के बाद यहां वाई आ रहा है. एंड एज पर आवर रूल अगर सी के बाद आई ई या वाई आता है तो हमें सी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस करना है. तो पहले सी के लिए हमने इसलिए सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस किया लेटर सी का, दैट इज स. और बाद वाले में एल आ रहा है तो हमने यहां पे सी का हार्ड साउंड प्रोनाउंस किया, दैट इज ख. सो दिस इज साई खल. हमने यहां पे सी का सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस किया स, और यहां पे सी का हार्ड साउंड प्रोनाउंस किया, दैट इज ख. सो आई होप आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि कब आपको सी का हार्ड साउंड प्रोनाउंस करना है और कब आपको सी का सॉफ्ट साउंड जो है प्रोनाउंस करना है. जब भी सी के बाद आई ई या वाई लिखा हुआ देखें आप, तो सी का सॉफ्ट साउंड आप बोलेंगे, दैट इज स. और इनके अलावा, आई ई या वाई के अलावा अगर कोई भी लेटर लिखा है सी के बाद तो वो सी का हार्ड साउंड बन जाएगा, दैट इज ख. दिस इज द रूल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर सी एज सॉफ्ट एंड एज एट हार्ड साउंड, दैट इज स एंड ख. That's it, mommies, from today's video. I hope आपको ये video helpful रहा होगा. And I wish you all the best and happy learning. Don't forget to subscribe, like and share.